गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियो एंड टेलीविजन फॉर मास कम्युनिकेशन। तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे रेडियो और टेलीविजन की। तो रेडियो इज अ डिवाइस दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ वर्बल टॉक्स, म्यूजिक, न्यूज एंड अदर टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स फ्रॉम सिंगल ब्रॉडकास्ट स्टेशन टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज लिसनर्स। तो रेडियो एक ऐसा साधन होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का यूज करता है, जिसके द्वारा वो प्रसारण करता है बहुत सारी वर्बल टॉक्स यानी मुंह से की गई बातचीत का, संगीत का, न्यूज और अदर तरह के अनेक प्रकार के प्रोग्राम्स का एक ब्रॉडकास्ट स्टेशन से बहुत सारे लोगों तक, और बहुत सारे सुनने वाले इन प्रोग्राम्स को सुनते हैं। नेक्स्ट इज टेलीविज़न। टेलीविज़न इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच शोज मूविंग इमेजेस टू ह्यूज नंबर ऑफ व्यूअर्स। तो टेलीविज़न भी एक इलेक्ट्रॉनिक साधन होता है जिसके द्वारा चलती फिरती इमेजेस जो हैं वो लाखों करोड़ों लोगों तक, लाखों करोड़ों देखने वालों तक पहुँचती है। इट इज़ सर्टनली वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फोर्सेज ऑफ मॉडर्न टाइम्स। और टेलीविज़न जो है ये आधुनिक समय के बहुत प्रभावशाली शक्तियों में से एक रहा है। Through television, very large number of people are able to receive moving images of news, sports, music and entertainment, etc. तो television के द्वारा क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो देख सकें चलती फिरती images को, news की, खेलों की, संगीत की और मनोरंजन की। आगे हम स्टडी करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न इन मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन में रेडियो और टेलीविज़न की क्या अहमियत होती है, उसे अब हम स्टडी करेंगे। तो मास कम्युनिकेशन मींस प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू बिलियंस ऑफ पीपल इन अ शॉर्ट टाइम थ्रू अ सोर्स। तो मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जानकारी प्रोवाइड कराना लाखों करोड़ों लोगों तक बहुत कम समय में किसी साधन के द्वारा। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट वेरियस नेसेसरी टॉपिक्स एंड पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट। तो मास कम्युनिकेशन क्या करता है, ये जानकारी प्रोवाइड करता है और जागरूकता क्रिएट करता है लोगों में बहुत सारे ज़रूरी टॉपिक्स के बारे में और किसी संस्था या गवर्नमेंट की पॉलिसीज यानी नीतियों के बारे में। इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड इंटरनेट। तो मास कम्युनिकेशन जानकारी प्रदान करने के लिए रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स और इंटरनेट का प्रयोग करता है। आगे है, रेडियो एंड टीवी हैव प्रूव्ड वेरी इफ़ेक्टिव सोर्सेज ऑफ डूइंग मास कम्युनिकेशन। तो रेडियो और टेलीविज़न जो है ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली सोर्सेज प्रूव हुए हैं मास कम्युनिकेशन करने का। देयर इम्पॉर्टेंस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो मास कम्युनिकेशन में रेडियो और टेलीविज़न की क्या इम्पॉर्टेंस होती है, हम आगे के पॉइंट्स के द्वारा समझ सकते हैं। और इसका पहला पॉइंट है, बोथ ऑफ देम प्रोवाइड न्यूज़ एंड अदर इंफॉर्मेशन टू वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू आउट द कंट्री इंक्लूडिंग रूरल एरियाज। तो रेडियो और टेलीविज़न दोनों मिलकर क्या करते हैं, न्यूज़ और बाकी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं लाखों करोड़ों लोगों को पूरे देश में और गाँव के एरियाज, रूरल मीन्स गाँव के एरियाज में भी ये इंफॉर्मेशन और न्यूज़ प्रोवाइड करवाते हैं लोगों को। आगे सेकंड पॉइंट है, दे आर वेरी हेल्पफुल इन स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स सच एज फ्लड्स, अर्थक्वेक, वार्स एंड कम्युनल वायलेंस एटसेट्रा टू क्रोड्स ऑफ पीपल इन लेस टाइम। तो ये दोनों बहुत उपयोगी साबित होते हैं जब इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी हो डिज़ास्टर से जुड़ी, डिज़ास्टर्स यानी तबाही, तबाही से जुड़ी इंफॉर्मेशन जो है वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचानी हो, तो उसमें बहुत उपयोगी ये साबित होते हैं। और नेचुरल डिज़ास्टर्स हुए जैसे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई या अर्थक्वेक आ गया, और मैन मेड डिज़ास्टर हुए जैसे
कहीं कोई युद्ध छिड़ गया या कहीं कोई सांप्रदायिक दंगा हो गया, तो इन सभी नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स के बारे में करोड़ों लोगों तक बहुत कम समय में इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं रेडियो और टेलीविज़न। नेक्स्ट पॉइंट इज रेडियो एंड टेलीविज़न आल्सो हेल्प इन जनरेटिंग टाइमली वार्निंग्स अबाउट दीज नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स। तो ये नेचुरल और इंसान के द्वारा बनाए गए जो डिजास्टर्स यानी तबाही होती है उनके बारे में समय पे वार्निंग्स दे देते हैं रेडियो और टेलीविज़न। आगे है पीपल आर आल्सो मेड अवेयर ऑफ डिफरेंट सोशल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट थ्रू रेडियो एंड टेलीविज़न। तो लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक किया जाता है अलग अलग तरह के सामाजिक प्रोग्राम्स और गवर्नमेंट की नीतियों के बारे में रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है बोथ ऑफ देम प्रोवाइड इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स दैट कैन बी अंडरस्टूड इवन बाय इलिटरेट पीपल। तो इन दोनों के द्वारा जो है बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रदान करने वाले और एजुकेशन प्रदान करने वाले प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट किया जा सकता है जिसके द्वारा जो है एक अनपढ़ व्यक्ति भी उन प्रोग्राम्स को समझ सकता है और जानकारी हासिल कर सकता है। एंड लास्ट पॉइंट इज फॉर रूरल एंड लेस एजुकेटेड पीपल। तो गाँव के लोगों और जो कम पढ़े लिखे लोगों होते हैं उनके लिए रेडियो एंड टेलीविज़न यूज़ सिंपल लैंग्वेज। तो उनके लिए रेडियो और टेलीविज़न पे जो है साधारण लैंग्वेज यूज़ की जाती है सो दैट दिस पीपल कैन ईजिली अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन बींग प्रोवाइडेड टू दैम। और उससे क्या होता है ये लोग भी काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं कि उन्हें किस तरह की जानकारी प्रोवाइड की जा रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग।